स्थान से ब्रदर मोहनलाल की गवाही को हम सुनेंगे। इन ब्रदर की उम्र अभी 50 साल है और जब ये भाई 15 साल के थे तब से जो है ये गलत संगति में होने के कारण ये भाई नशों में चले गए थे और पिछले 35 सालों से ये भाई नशा कर रहे थे। ये भाई पूरे दिन में शराब 2 से 3 पैकेट सिगरेट डोडे और 3 पैकेट तंबाकू का नशा करते थे और ये भाई जितना काम करते थे और जितने भी कमाते थे वो सारा नशे में ही जो है खर्च कर देते थे। इनकी फैमिली इनकी इस आदत से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इनको जो है नशा छुड़वाना चाहते थे। वो इन्हें नशा छोड़ने के लिए बोलते थे पर इनसे नशा छोड़ा नहीं जाता था और इनके नशे के कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई नशे की ओवरडोज लेते थे और इन्हें कोई भी सुध-बुध नहीं रहती थी। जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा तलब लगती थी। बिना नशे के ये इनसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। ये अपना काम छोड़कर नशा करना शुरू कर देते थे और ये अपने दोस्तों से पैसे उधार मांग मांग कर ये नशा करते थे और ये भाई सुबह उठते ही इन्होंने जो है नशा करना ये स्टार्ट कर देते थे और अपने काम पर भी नशा करके ही ये जाते थे। नशे के कारण ये 10 से 15 बार जो है काम से निकाल दिए गए और अपनी जो लाइफ में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और ये खुद भी नशा छोड़ना चाहते थे पर इनसे छोड़ा नहीं जाता था। इन्होंने 2 बार जो है सुसाइड करने की कोशिश की, दोनों बार जहरीली दवाइयाँ खाकर अपने आप को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की और ये अन्य जगहों पर भी गए पर कोई हल नहीं मिला। नशा छुड़ाने के लिए इन्होंने लाखों रुपए भी खर्च कर दिए थे फिर भी ये नशा छोड़ नहीं पाए थे। फिर इनको किसी रिश्तेदार ने एक दिन खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने रेगुलर चर्च आना शुरू किया। फिर 25 दिसंबर 2021 को ये खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने ले हैंड के लिए अपनी चर्च की वेबसाइट www.ankurnarula.org पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिस दिन इनके टर्न आई उस दिन टीम के द्वारा इनको कॉल की गई और इन्हें यहाँ बुलाया गया और उस दिन हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा इन पर लेहन प्रेयर हुई। आइए हम पहले उस लेहन क्लिप को देखेंगे। जिस दिन परमेश्वर की दासी इन पर लेहन प्रेयर कर रहे थे उस दिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और उस टच के बाद, उस सामर्थ्य टच के बाद परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य आत्मा इनके लाइफ में एंटर हुई और ये इनको ये बताते हैं कि मुझे अपनी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा गर्माहट महसूस हुई और उस लेहन के दौरान ये गिर गए और उस दिन के बाद से ये उस 35 साल के नशे की स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद है। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, जो हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है, जो हमें पूरी तरह से स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। आज पूरे 9 महीने 20 दिन हो जाते हैं ये भाई पूरी तरह से उस नशे की स्पिरिट से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।